हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपके अपने चैनल होम स्टाइल कुकिंग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं छठ पूजा में बनने वाले प्रसाद चावल के लड्डू की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इस तरीके से बनाएंगे चावल के लड्डू तो 15 से 20 दिनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा लिया है गैस पे और इसमें मैंने आधे गिलास से भी कम पानी डाला है। मान के चलिए कि 1/4 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी लिया है। यहाँ पर ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर गुड़ मैंने लिया है एक कटोरी और ग्राम से कहें तो ये 300 ग्राम है। तो सारे गुड़ को पानी में डाल देंगे। गुड़ की हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, तो इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो इसे हमें उतना ही कुक करना है जितने में गुड़ जो है हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है तो गुड़ का पानी रेडी हो गया है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे। गुड़ का पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है तो पहले हम इसे छन्नी से छान लेंगे। गुड़ में जितनी भी इम्प्योरिटी होती हैं, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें होती हैं, वो छन्नी से आसानी से निकल जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो गुड़ का पानी बिल्कुल रेडी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। लड्डू का मिश्रण तैयार करने के लिए इस तरह की बड़ी साइज की थाली मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। ये ग्राम से 400 ग्राम है और ये दुकान से खरीदी गई चावल का आटा है। आप चाहें तो घर में भी चावल को धोकर सुखाकर मिक्सी में पीसकर चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। छठ पूजा के प्रसाद के लिए भी चावल का आटा इसी तरह से तैयार किया जाता है, लेकिन उसे मिक्सी में ना पीसकर घर में जाते में पीसते हैं या फिर मिल में पिसवाई जाती है, क्योंकि वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आटा चाहे जो भी हो, लड्डू बनाने से पहले आटा को हम छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है और ये बिल्कुल साफ है, तो इस तरह से फैला लेंगे इसे। और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो प्रसाद के लिए लड्डू बना रहे हैं तो इसमें यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। कम घी डालने से फिर लड्डू जल्दी ख़राब हो जाती है, तो घी की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। इसे डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच घी डाला है। तो चावल के आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर लगे कि घी कम है तो यहाँ पर और भी घी हम मिला सकते हैं। तो थोड़ी सी घी यहाँ पर और हम डालेंगे। तो 1 चम्मच घी मैंने यहाँ पर और डाला है। टोटली मैंने यहाँ पर 6 चम्मच घी डाला है इसमें। पर ध्यान रहे कि घी जो है पिघला हुआ नहीं है, ये जमी हुई घी मैंने यहाँ पर डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने सूखा नारियल को बारीक काट लिया है और यहाँ पर मैंने किशमिश लिया है। आप अपनी मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल और किशमिश लिया है। थोड़ी सी यहाँ पर डालेंगे कूटी हुई इलायची। और अब हम इसमें डालेंगे और एक खास चीज़, और वो है तुलसी पत्ता। इससे लड्डू जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। तो तुलसी पत्ता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है, तो इसे भी हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पानी। तो गुड़ का पानी एक बार में नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो इस मिश्रण को तैयार करने के लिए सादे पानी का बिल्कुल भी यूज ना करें, सिर्फ गुड़ का पानी से ही इसे हम तैयार करेंगे। मिश्रण काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसकी हम लड्डू बनाकर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए लड्डू अच्छे से बनने लगी है। तो यहाँ पर गुड़ का पानी अब हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया था, उसमें यहाँ पर थोड़ी सी पानी बच गई है। तो ये एकदम सही मात्रा है, थोड़ी सी पानी बचनी भी चाहिए। कम पानी होगी तो आप यहाँ पर सादा पानी डाल देंगे, जिससे लड्डू जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सादा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो गुड़ का पानी वेस्ट नहीं होगा, इसे हम फ्रिज में रख देंगे और इसकी हम खीर बना सकते हैं। तो दोनों हाथों से इस तरह से अब हम बनाएंगे लड्डू। तो थोड़ी थोड़ी मिश्रण ले लेंगे और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। ज़्यादा लड्डू जब हमें प्रसाद के लिए बनानी होती है तो इसी तरह से हम लड्डू बनाते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गई है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो प्रसाद के लिए जो लड्डू बनती है वो दो तरीके से बनाई जाती है, एक गोल वाली और एक इस तरह की लंबी वाली। ये देखिए मैंने यहाँ पर लंबी वाली भी बनाया है। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर लड्डू बनाया है, गोल वाली और ये लंबी वाली।
तो इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सारे मिश्रण का मैंने लड्डू बना लिया है और वो भी दोनों शेप में। इस तरीके से बनाए गए चावल के लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, 15 से 20 दिनों तक आप इसे आराम से रह सकते हैं और वो भी बिना फ्रिज के। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट्स करके फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।